नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ शाभनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे उससे पहले नजर डालते हैं अब तक की बड़ी सुर्खियों पर। रायपुर में बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल का पलटवार, कई मुद्दों को लेकर बीजेपी का किया घेराव, कहा रमन सरकार ने नहीं किया धर्मांतरण कानून लागू। राजनांदगांव में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन, महिला बाल विकास विभाग ने किया आयोजन, परिणय सूत्र में बंधे 12 जोड़े। वीरांगना रानी दुर्गावती गौरव यात्रा पहुंची बेहर, लोगों पर तक पहुंचे वीरांगना रानी दुर्गावती की वीरता की गथाएं। 27 जून को पीएम मोदी की उपस्थिति में होगा समापन। बकावंच में स्वास्थ्य केंद्र की लचर व्यवस्था को लेकर ग्रामीणों ने जताया विरोध, कलेक्टर के नाम तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन, स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त करने की मांग। कोरबा में हो रही झमाझम बारिश और लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत, कृषि कार्यों में आएगी तेजी। तो खबर रायपुर से, जहां सरकार की ओर से कर्ज लेने को लेकर लगातार बीजेपी के बयान पर सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि उनकी झूठ बोलने की आदत है। इस दौरान सीएम ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए और भारत सरकार मध्यप्रदेश उत्तर प्रदेश की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, हमारे हिस्से का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। इसी के साथ सीएम ने विश्व हिंदू परिषद को बैठक को लेकर कहा कि 2006 में रमन सिंह की सरकार में धर्मांतरण पर कानून लाया गया, वो 2018 तक लागू क्यों नहीं कर पाए। इसी के साथ सीएम ने कई मुद्दों को लेकर बीजेपी का घेराव किया। एक काम करिए, छत्तीसगढ़ सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, भारत सरकार की वित्तीय स्थिति निकाल लीजिए, मध्य प्रदेश की निकाल लीजिए, उत्तर प्रदेश की निकाल लीजिए, वहां की वित्तीय व्यवस्था और हमारी छत्तीसगढ़ की वित्तीय व्यवस्था देख लीजिए। पहला क्वार्टर है, हम लोग लोन नहीं लिए अप्रैल से जून तक, लेकिन हमारे पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में दो दो तीन तीन बार हो गई उसको लोन लेते, तो और किससे आंकेंगे आप। वित्तीय व्यवस्था FRBM एक्ट है तो हम लोग पालन कर रहे हैं, जबकि FRBM एक्ट के हिसाब से भारत सरकार को दुगुना उससे भी पार कर रहे हैं, 3% रहना चाहिए FRBM एक्ट, तो वो तो भारत सरकार तो 7% उतना तो बढ़ा हुआ है, वो किस मुझ बात करते हैं हमारी वित्तीय व्यवस्था के बारे में, बल्कि ये है कि हमारे हिस्से का पैसा भारत सरकार नहीं दे रही है। ये बात बिल्कुल सही है, भारतीय जनता पार्टी के लोग तो बड़े दाग ठोकते हैं कि हमारे यहाँ जब हमारी सरकार होती तो कहीं सांप्रदायिकता नहीं होती, आज 50 दिन से चल रहा है, 2 महीने हो रहा है और लगातार चल रहा है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री फुर्सत नहीं। खबर राजनांदगांव से, जहां छुरिया ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत कुल्लू बंजारी में मुख्यमंत्री कन्या विवाह का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम महिला बाल विकास विभाग की ओर से आयोजित किया गया था, जिसमें 12 जोड़े विवाह के बंधे में बंधे और इस सामूहिक विवाह कार्यक्रम की शुरुआत छत्तीसगढ़ महतारी के तैलचित्र पर पूजा अर्चना कर की गई। वहीं गाजे बाजों के साथ दुल्हों का आगमन हुआ और पूरे रस्मों रिवाजों के साथ विवाह संपन्न कराया गया। इस दौरान वर वधू को आशीर्वाद देने विधायक चन्नी साहू और छुरिया जनपद अध्यक्ष किरण वैष्णव शामिल हुए। इस अवसर पर जिला पंचायत सभापति ललिता कनवर, जिला पंचायत सदस्य राम क्षेत्री समेत अधिकारी कर्मचारी और बड़ी संख्या में ग्रामवासी मौजूद रहे। यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है आके, क्योंकि समाज में हमारे बहुत सारे ऐसे लोगों की जरूरत रहती है जिनको घर से शादी नहीं कर पाते, और हमारे समाज में ये बहुत बड़ा मतलब योजना रखी है शादी की, तो इससे बहुत बढ़िया है सभी के लिए और संतुष्टि है सभी के मन में। उपहार सामग्री है और 6000 का हमारा श्रृंगार सामग्री है, जो वर वधु दोनों के श्रृंगार जोड़े आदि हैं, और इसमें 8000 हम विवाह मंडप पे अन्य खर्चों पे हम व्यय करेंगे। आज हमारी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मुख्यमंत्री कन्यादान योजना के तहत ग्राम पंचायत कल्लू बंजारी के रीपा के हमारे छुरिया ब्लॉक में 12 जोड़ा का शादी वर वधु यहाँ है। मैं सबसे पहले उन लोगों को बधाई देना चाहती हूँ जिन्हें आज नए जीवन का शुरुआत उन लोगों का हुआ जा रहा है, और जो हमारी सरकार बहुत ही अच्छा योजना जो मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जो लाए हैं, जो पहले बेफूल खर्चा करते थे मतलब शादी में, वो बेफूल खर्चे से दूर होकर आज मुख्यमंत्री कन्यादान योजना जिसमें 50,000 रुपया मिलेंगे, 21,000 रुपया नगद देंगे, बाकी का सामान मिलेंगे, इसलिए आज 12 जोड़ों का शादी है।
खबर बेहर से है, जहां गोंडा साम्राज्य की वीरांगना रानी दुर्गावती की वीरता और बलिदान गाथा को जन जन तक पहुंचाने के लिए बालाघाट से शुरू हुई गौरव यात्रा 23 जून को बेहर से मलाजखंड गढ़ी होते हुए मंडला जिले की बिछुआ के लिए प्रस्थान कर गई। बता दें कि यह गौरव यात्रा मंडला के डिंडोरी जिले से होते हुए 27 जून को शहडोल पहुंचेगी और प्रधानमंत्री मोदी की उपस्थिति में इस यात्रा का समापन होगा। इस गौरव यात्रा को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 22 जून को बालाघाट से बेहर के लिए रवाना किया था। वहीं बेहर में रानी दुर्गावती की वीरता और जीवन पर आधारित सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए गए। बालाघाट से शुरू हुई इस यात्रा के दौरान पूर्व विधायक भगत सिंह नेताम, सुरेंद्र गुड्डा मरकाम, जिला पंचायत सदस्य अनुपमा नेताम और अन्य गणमान्य नागरिक मौजूद रहे। कोरबा में मॉनसून की पहली बारिश हो रही है। पिछले आधे घंटे से हो रही झमाझम बारिश से शहर और दूरस्थ ग्रामीण अंचल क्षेत्र में तापमान में भारी गिरावट आई है। वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से राहत मिली। बता दें कि मॉनसून के आने से लोगों के चेहरे खिल गए और ऐसे में कृषि कार्य में भी तेजी आएगी। खबर बालाघाट से है, जहां बेरोजगारी के खिलाफ प्रदेश कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष के निर्देश पर कांग्रेस जिला बेरोजगार प्रकोष्ठ अध्यक्ष और गोविल छोरे के नेतृत्व में 23 जून को विरोध प्रदर्शन किया गया। युवा शिक्षित बेरोजगार को नौकरी नहीं मिलने पर बेरोजगार प्रकोष्ठ के विरोध प्रदर्शन में पढ़े लिखे युवाओं ने पकौड़े तलकर विरोध दर्ज कराया। इसको लेकर बेरोजगार प्रकोष्ठ जिलाध्यक्ष गोविल छोरे ने कहा है कि देश में मोदी और प्रदेश में शिवराज की सरकार है, जिन्होंने देश और प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने का वादा किया था, लेकिन आज शिक्षित बेरोजगार युवा रोजगार नहीं मिलने से परेशान है। उन्होंने कहा कि बेरोजगारी देश और प्रदेश का सबसे बड़ा मुद्दा है। आज लाखों शिक्षित बेरोजगार रोजगार की तलाश में, रोजगार नहीं मिलने से पढ़े लिखे शिक्षित युवाओं का बेरोजगारी ग्राफ बढ़ रहा है। सरकारें दावे करती है कि वो नौकरी दे रही है, लेकिन ये दावा बढ़ती बेरोजगारी के सामने खोखला नजर आता है। जिस प्रकार से पूरे हिंदुस्तान के अंदर पढ़ा लिखा शिक्षित बेरोजगार युवा खुद को ठगा सा महसूस कर रहा है, 2014 में ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी, नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से वादा किया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ नौकरी देकर मैं लोगों का भविष्य उज्ज्वल करूंगा, भविष्य उज्ज्वल करने की तो दूर बात, 9 साल के अंदर नौकरी तो कुछ नहीं गई, किसी को नहीं मिली, अपितु हमारा ये मानना 9 साल के अंदर 10-12 करोड़ नौकरियां इन्हें लेफ्ट करा दी, खत्म करा दी। और उनका मानना था कि जो पकौड़े तलकर रोड पर चौराहे पर पढ़े लिखे बेरोजगार युवक पकौड़े तले, वो उनको रोजगार देना मानते हैं। तो आज हमारे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी बेरोजगार प्रकोष्ठ के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके निर्देश पर, उनके अनुसार आज बालाघाट जिला कांग्रेस बेरोजगार प्रकोष्ठ के गोविंद चौरे जी ने आज यहां पर विरोध प्रदर्शन करके पकोड़े तलकर उनको आह्वान किया कि देखिए मोदी जी, आज का जो युवा जिन्होंने एमटेक किया हुआ है, जिन्होंने एमएससी की है, जिन्होंने बड़े बड़े शिक्षा अर्जित किए, अपने माँ बाप के पैसे से लगाकर उन्होंने पढ़ाई की, लेकिन आपने रोजगार तो नहीं दिया, उल्टा। खबर बिलासपुर से, जहां युवा कांग्रेस के जिला शहर अध्यक्ष शेरू असलम ने दबंगी दिखाते हुए किसान सहित पूरे परिवार को धमकी दी है। अपने पद का रौब दिखाते हुए युवक कांग्रेस ने किसान को धमकाया है, जिसका वीडियो सबके सामने आया। मिली जानकारी के अनुसार युवा कांग्रेस नेता किसान की निजी जमीन को अपना बताकर अवैध कब्जा करने की बात कर रहा था। कांग्रेस नेता की धमकी से किसान परिवार दहशत में है। मुंगेली में अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार के लिए ऋण उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए। इसी कड़ी में कलेक्ट्रेट में एक दिवसीय लोन मेले का आयोजन किया गया, जिसमें बेरोजगारी भत्ता योजना के 152 हितग्राहियों ने स्वरोजगार के लिए ऋण के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। साथ ही पात्रता अनुसार ऋण प्रकरणों को स्वीकृत किया जाएगा। वहीं कलेक्टर राहुल देव ने लोन मेले में कई विभागों की ओर से लगाए गए स्टॉलों का अवलोकन किया और पात्रता अनुसार अधिक से अधिक युवाओं को स्वरोजगार स्थापित करने के लिए ऋण स्वीकृत करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। रायपुर में धरसीवा विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने अपने विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत शहीद योगेंद्र शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सुविधाओं का विस्तार करते हुए 50 लाख रुपए की लागत से लैब सहित कई अन्य सुविधाओं का विधिवत पूजा पाठ कर भूमि पूजन किया। और इस अवसर पर विधायक अनिता योगेंद्र शर्मा ने कहा कि निश्चित ही शहीद योगेंद्र शर्मा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में लैब सहित अन्य सुविधाओं के विस्तार होने से यहां के आसपास के क्षेत्रवासियों को इसका लाभ होगा।
वहीं बकावंड ब्लॉक मुख्यालय के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अनियमितता और स्वास्थ्य संबंधित लचर व्यवस्था के विरोध में ग्रामीणों ने विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि नवपदस्थ बीएमओ अपनी मनमानी कर रहे हैं, जिससे डॉक्टरों ने परेशान होकर काम न करने की भी ठान ली है। यहां से स्थानांतरण करवाकर दूसरे जगह अपनी पोस्टिंग करवा रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर ओपीडी में समय पर आते जाते नहीं है, जिससे मरीजों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिससे परेशान होकर ग्रामीणों और युवा नेता ने कलेक्टर के नाम ज्ञापन सौंपा। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बकावण में वरिष्ठ चिकित्सक होने के बावजूद भी जूनियर चिकित्सक को खंड चिकित्सा अधिकारी का दायित्व सौंपा गया है, जो कि घोर निंदनीय है। और यहाँ ओपीडी में भी नियमित समय पे एमबीबीएस डॉक्टर मौजूद नहीं होते हैं। अस्पताल में, जो कि ब्लॉक मुख्यालय का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है, यहाँ पे गंदगी इतनी पसरी हुई होती है वार्डों में कि मच्छर और बदबू से मरीजों का रहना दूभर हो जाता है। बीएमओ के द्वारा यहाँ के जो लगाए गए सो प्लांट है उनको भी कटवा दिया गया है, और मरीजों के साथ, स्टाफ के साथ एवं आमजनों के साथ बीएमओ का व्यवहार बहुत ही दुर्व्यवहारपूर्ण रहता है। हम जिला प्रशासन से ये अपील करते हैं और यह मांग करते हैं कि बीएमओ को बदल कर किसी वरिष्ठ चिकित्सक को बीएमओ का दायित्व देना चाहिए। तिल्दा नेवरा में सेवा सुगंधम सामाजिक जन कल्याण समिति के संस्थापक टिकेंद्र उपाध्याय ने प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें 67 गांव के लगभग 350 छात्रों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम में आसपास से आए सैकड़ों की संख्या में स्कूली बच्चे और भारी संख्या में ग्रामीण जन मौजूद रहे। वहीं उपस्थित जनों में इस गौरवमयी कार्यक्रम के लिए आयोजन समिति को बधाई दी। तो 350 छात्रों को सम्मानित किया गया है और भारी संख्या में ग्रामीण जन इस कार्यक्रम में मौजूद रहे। प्रतिभा और प्रोत्साहन के रूप में 350 छात्रों को सम्मानित किया गया और प्रोत्साहन प्रतिभा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बच्चों को सम्मानित किया गया। और तिल्दा नेवरा में सेवा सुगंधम सामाजिक जन कल्याण समिति के संस्थापक टिकेंद्र उपाध्याय ने प्रतिभा प्रोत्साहन सम्मान समारोह का आयोजन किया था, जिसमें 67 गांव के लगभग 350 छात्रों को सम्मानित किया गया। सेवा सुगंधम संस्थान के द्वारा आज ग्राम सरोरा में सभी गांवों के स्कूलों के प्रथम और द्वितीय स्थान बोर्ड परीक्षाओं में प्राप्त करने वाले प्रतिभाशाली छात्रों का सम्मान का कार्यक्रम आयोजित किया गया। बहुत अच्छा कार्यक्रम, बहुत ही सुंदर आयोजन। इस गरिमामय आयोजन से इन बच्चों को आगे पढ़ाई में और अच्छा करने की प्रेरणा मिलेगी। इस अवसर पर हम सब इन बच्चों को सम्मानित करके स्वयं भी गौरवान्वित हुए हैं। नारायणपुर से छोटे डोंगर मेन रोड जर्जर स्थिति में आ गया है। माइंस के भारी भरकम गाड़ियों के चलते लोगों को आवाजाही में परेशानी हो रही है। पैदल चलना और छोटी गाड़ियों को भी चलना मुश्किल हो रहा है। इस बरसात में ऐसे ही रहा तो आवाजाही करने वालों को दुर्घटना का सामना करना पड़ेगा। रोड जर्जर स्थिति से हर समय बड़ी दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है। मेन रोड में डामर की जगह मुरूम और लाल मिट्टी डाले गए हैं, जिसमें ऐसे खतरनाक हालत बने हैं। सड़क में जगह जगह बड़े गड्ढे बन गए। अगर बारिश का पानी सड़क पर आ जाए तो गड्ढे नहीं दिखेंगे, जो कि आम लोगों के जीवन के लिए खतरा बना रहेगा। खबर गरियाबंद से है, जहां छुरा पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। इस दौरान पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। बताया जा रहा है कि आरोपी तेंदुए की खाल की तस्करी करने की फिराक में थे। फिलहाल अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया, जल्द ही मामले का खुलासा किया जा सकता है।
इंदौर के द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में आंखों से घूरने की बात को लेकर दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि एक दूसरे पर चाकू और डंडों से हमला कर दिया गया। इस घटना में लगभग चार लोग घायल हो गए। वहीं पुलिस ने दोनों पक्षों की तरफ से गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज किया। फिलहाल पुलिस ने दोनों पक्षों के पांच लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई शुरू कर दी। तो आपको बता दें, पुलिस ने करीब पांच लोगों को गिरफ्तार किया है और इस पूरे मामले पर कार्रवाई चल रही है, जहां पुलिस ने तेंदुए की खाल के साथ पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया। आरोपी तेंदुए की खाल की तस्करी करने की फिराक में थे। फिलहाल अभी पुलिस ने कुछ नहीं बताया है, जल्द ही मामले का खुलासा किया जा सकता है। सराफा थाना क्षेत्र में जो सराफा की चौपाटी है, वहां पर कल देर रात में एक मारपीट का मामला सामने आया, जिसमें तीन दो युवक और एक युवती द्वारा एक मिठाई की दुकान पर बिना अनुमति मिठाई खाने की बात पर विवाद हुआ था, जिसमें दोनों पक्षों में मारपीट हुई है, जिसमें दोनों पक्षों की तरफ से मुकदमा कायम किया गया। विवाद का कारण प्रथमदृष्टया सामने आया है कि मिठाई की दुकान से बिना अनुमति के मिठाई उठाकर खाने के बाद जब विरोध जताया गया दुकानदार द्वारा, तो ये दो युवक और एक युवती द्वारा गाली गुप्तार करी गई और उनकी दुकान में जो कढ़ाई वगैरह थी उसको उठाकर फेंक दिया गया और तोड़फोड़ करी गई, जिसमें दुकान में काम करने वाले लोगों को भी थोड़ी सी चोट आई है। उनकी पीठ में गरम शीरा गिरने से उसके जल गया है पेट। इस प्रकार से मुकदमा कायम। वही इंदौर के लसुड़िया थाना क्षेत्र के बड़े ड्रग तस्कर ने अपनी सौतेली बेटी के साथ अश्लील हरकत करने के साथ ही उसके साथ मारपीट की, जिसके बाद पीड़िता ने पूरा मामले की शिकायत लसुड़िया थाने में की, लेकिन पुलिस ने पूरे मामले में किसी तरह की कोई भी कार्रवाई नहीं की और इसी के चलते पीड़िता ने एक वीडियो सोशल मीडिया पर जारी कर पुलिस को पूरे मामले में उचित कार्रवाई करने की मांग की है। फिलहाल पूरे मामले में डीसीपी अभिषेक आनंद का कहना है कि वीडियो के आधार पर युवती ने फरियाद लगाई, पूरे मामले में जांच पड़ताल कर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक फरियादिया का वीडियो वायरल हुआ था, उसके बाद फरियादिया ने शिकायत की थी पुलिस में कि उनके जो है सौतेले पिता है उनके साथ अभद्र व्यवहार करते हैं, उनके साथ छेड़छाड़ करते हैं। तो जिसके लिए पूरा मामला जब संज्ञान में आया तो पुलिस ने जो है लसुड़िया पुलिस ने इसमें 354, 323, 294, 506 IPC के तहत अपराध पंजीकृत किया। इसमें जो आरोपी हैं जो उनके सौतेले पिता है उनको जो पुलिस ने राउंड अप कर लिया है, जो विधिवत कार्रवाई है वो की जाए। दरियाबंद में लगातार हो रहे झमाझम बारिश से लोगों के चेहरे पर मुस्कान देखने को मिली। किसानों को मानसून का इंतजार था, लेकिन साल की पहली बारिश में भी बाढ़ की समस्या से लोगों को रूबरू होना पड़ा और ऐसे में लोग खुश भी हैं और परेशान भी। वहीं चुलचुलाती धूप और उमस से तो लोगों को छुटकारा मिला है, लेकिन बाढ़ से दिक्कतें भी आ रही हैं। तो गरियाबंद के लगातार झमाझम बारिश हो रही है, लोगों के चेहरे बारिश के कारण चेहरों पर मुस्कान देखने को मिला। किसानों को मानसून का इंतजार था, लेकिन साल की पहली बारिश ने बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई, जिससे लोग परेशान हैं। चुलचुलाती धूप और उमस से तो राहत मिली, लेकिन बाढ़ से लोगों को काफी परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। उदयपुरा के वार्ड क्रमांक एक के रहवासियों ने पट्टे न मिलने पर तहसील प्रांगण में जाकर जमकर नारेबाजी की और पट्टे और आवास न मिलने के लिए प्रशासन को जिम्मेदार ठहराया। आपको बता दें कि उदयपुरा वार्ड क्रमांक एक में कई सालों से शासकीय भूमि पर लोग कब्जा करके रहे हैं। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह द्वारा मंच से कई बार घोषणा भी की जा चुकी है कि जो जहां है उसे वहीं पट्टे दिए जाएंगे, लेकिन वर्षों गुजर जाने के बाद भी इन लोगों को पट्टे और आवास की सुविधा न मिलने पर रहवासियों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं SDM संतोष मुदगल ने लोगों को समझाकर लगभग 25 दिन में उनकी समस्या का हल करने का आश्वासन दिया और जो नाम पट्टे में जुड़ने से रह गए हैं उनका आवेदन लेकर नाम जोड़ने का भी आश्वासन दिया है। उनकी मूल समस्या है कि यहाँ उदयपुरा में शासकीय हमारा जो PG कॉलेज है उसके सामने शासकीय भूमि पर, क्योंकि वो भूमि कॉलेज के नाम पर भूमि है, उस पर ये
झुग्गी बनाकर निवास कर रहे हैं, वो लोग उसी स्थान पर पट्टा चाहते हैं, तो उन्हें समझाया है कि उस स्थान पर तो नहीं दिया जा सकता है क्योंकि वो कॉलेज के बिल्कुल फ्रंट पर बसे हुए हैं। तो उनसे उन्हें समझाया कि दूसरे स्थान पर आप ले लीजिए, उस पर वह जाने तैयार नहीं है। उनका कहना कि कॉलेज में ही, कॉलेज के पीछे की भूमि हमें दी जाए। कॉलेज वालों को पत्र लिखा है, आपत्ति लेकर के उसमें व्यवस्थापन की कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं, अतिशीघ्र कर रहे हैं। क्या है कि बमोरी में जो कार्यक्रम हुआ था तो शिवराज जी ने कहा था कलेक्टर साहब से कि जो पट्टाविहीन लोग हैं उनको पट्टा बिल्कुल मिलना चाहिए, और उन्होंने हाँ कहा। हाँ के बाद मेरे से बोलते रहे, तो मैं पालिका कार्यालय गया, पालिका कार्यालय में एक जैन साहब है, उन्होंने कहा हमने पूरी तैयारी कर ली है और हमारी बहुत खिंचाई हुई, मामा ने कहा उनको पट्टा मिलना चाहिए। अब गलती आपकी उदयपुरा तहसील से है, वहाँ से आप व्यवस्था करवाइए, और मामा आपके सही हैं और वास्तव में उन्होंने हमसे कहा है। शिवराज मामा जी, जी इसके लिए अब पट्टे सबको मिल गए, सब संसार को मिल गए। हम तुम्हारे गांव में पढ़े, हमारी कुछ व्यवस्था नहीं होती, हर साल को 20-25 साल के पन्ने लेके डालते हैं, वो सड़ जाती, फिर वापस आते फिर डाल देते हैं। जाति से हम राजपूत चौहान से है, लोहपीठ है। अच्छा, लोहा पीठ जी। तो अब आप क्या चाहते हैं? हम पट्टे चाहते हैं जी। आपको पट्टे की क्या जरूरत? हम तो परेशान हो गए, घूम घूम के हम उधर जाते हैं, कहीं मरते कोई अच्छे आते हैं, यहाँ आते हैं तो झुग्गी झोपड़ी में कुछ नहीं है, पानी उड़ जाती है, फिर ला के डालते हैं तो फिर हम पानी भरा जाता है। इसके लिए आपने पहले कहीं शिकायत की थी? शिकायत हर साल करते हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं है। ये बताइए आज आप यहाँ क्यों इकट्ठे हुए? आवास के लिए और पट्टे के लिए। अभी तक आपको पट्टा नहीं मिला? कुछ नहीं मिला साहब, जब आते हैं जब बस कह देते हैं, दो दिन न 10 दिन 20 साल हो गई। अब क्या चाहते हैं? हमें तो आवास भी चाहिए और पट्टा भी चाहिए, और जब भी जाएंगे यहाँ से जब तक आवास पट्टा नहीं मिलेगा तो नहीं। खबर करेरा से है, जहाँ सांसद विवेक शेजवलकर ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को एक नई एम्बुलेंस की सौगात दी। बता दें कि इस एम्बुलेंस की खास बात यह है कि यह ऑक्सीजन वेंटिलेटर से युक्त है, इसे गंभीर हालत वाले मरीजों को एक जगह से दूसरी जगह आसानी से समय रहते हुए पहुंचाया जा सकता है, जिसे सांसद ने हरी झंडी दिखाई है। दो विधानसभा क्षेत्र है, पोहरी के लिए भी है, सबके लिए है। आज ग्वालियर में जो अस्पताल है, अगर यहाँ से किसी को कहीं शिफ्ट करना हो तो ग्वालियर की एम्बुलेंस आती नहीं, क्या लाना नहीं चाहिए? लाने चाहिए, लेकिन ग्वालियर सांसद मेरी सांसद का क्षेत्र है, मेरी संसद का क्षेत्र है, शिवपुर जिले के दो विधानसभा मेरे क्षेत्र है, ये प्रशासन तय करेगा किस तरह उनको करना होगा। खबर बिलासपुर से है, जहां सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिए रतनपुर के ब्लैक स्पॉट को सुधारने का काम किया जा रहा है। सड़कों के आसपास जिन जिन लोगों ने कब्जा कर मकान या दुकान बनाया है उसे हाईकोर्ट के आदेश के बाद तोड़ा जा रहा है। वहीं दुकानदार इस कार्रवाई का विरोध तो कर रहे हैं, मगर कोर्ट के आदेश होने के चलते सभी को समझाया जा रहा है। यहाँ पर ग्राम रतनपुर में कुटाघाट से खंडोबाबा मार्ग तक के 11.5 किलोमीटर की सड़क का चौड़ीकरण करना है, जिसकी जद में सड़क की जो जद है उसमें अगर कोई भी अतिक्रमण आ रहे हैं तो उसको हटाया जा रहा है। हमारे द्वारा एक समय सीमा फिक्स की गई है कि मानसून से पहले सभी अतिक्रमण हटा दिए जाए। कितने मकान और दुकान हटाए? ये कहना तो मुश्किल है, हमने लगभग 380 लोगों को नोटिस दिया है, जिसमें किसी की बाउंड्री है, किसी का छोटा मोटा टिन शेड है, ऐसा करके लगभग 380 लोग प्रभावित हैं। खबर धमतरी से है, जहां बीजेपी पार्षद ने वार्डवासियों के संग नगर निगम का घेराव किया। वार्ड में मूलभूत सुविधाओं की समस्या बताते हुए निगम में नारेबाजी की। बता दें शुक्रवार को बठेना वार्ड के बीजेपी पार्षद श्यामलाल नेताम और वार्डवासियों की तरफ से यह प्रदर्शन किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में वार्डवासी निगम पहुंचे थे। देखिए, हमारे पास जो भी फंड होता है ना, 14th फिनांस या 15th फिनांस का फंड वंड होता है, जो MIC के पास हम लोग पुट अप करके उसके बाद हमको शासन स्तर पे भेजा जाता है। तो जैसा MIC निर्णय करती है कौन से काम को करना है, उस आधार पे कार्य किया जाता है। परंतु इनका एक जन चौपाल में भी आवेदन लगाया गया था, तो लगभग हम लोगों ने जो भी अभी तक जितने भी किए हैं तो टोटल 84 लाख का काम वहाँ पर करने का है। पर वो भी गारंटी नहीं दिया जा सकता कि पानी से निजात मिल जाएगा, पर वो प्रयास है हमारे तरफ से, क्योंकि ज्योग्राफिकली वो गड्ढे में बसा हुआ अपना वार्ड है, तो जितना प्रयास हो सकता है हम प्रयास कर रहे हैं लगातार। जैसे अभी जेल वार्ड के लिए पीछे भी पानी निकासी के लिए नहीं था तो वो भी डूब जाता था, तो वो भी हम लोगों ने किसी समय में भेजा गया था,
तो आज के दिन में वो भी स्वीकृत होकर आया था, उसका भी काम वर्क। और चलिए इसके साथ इस बुलेटिन में फिलहाल में सब देते हैं, देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ। छत्तीसगढ़ देश का एक ऐसा राज्य है जहां बेरोजगारों की संख्या सबसे कम है, लेकिन फिर भी जो कुछ लोग बेरोजगार हैं उनके साथ छत्तीसगढ़ सरकार है। सरकार से जो अभी मुझे बेरोजगारी भत्ते के रूप में 2500 रुपए प्राप्त हुआ है, उससे जो है कोचिंग की फीस देने में मुझे बहुत मदद हुई है, तो मैं सरकार का धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने युवाओं के बारे में ये सोचा। माननीय मुख्यमंत्री द्वारा मुझे जो बेरोजगारी भत्ता का अनुदान प्राप्त हुआ है, जिससे मैं आगे की पढ़ाई और संपूर्ण अच्छे से कर पाऊँ।